फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किया, फ्री हैंड टूल के साथ मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ पे ये लाइन बनाई। लाइन बनाने के बाद शेप टूल को सेलेक्ट करता हूँ और सेंटर में क्लिक करके मैं कन्वर्ट करता हूँ इस लाइन को। कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे मोड़ देता हूँ, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो इसका डुप्लीकेट आ जाता है। डुप्लीकेट जैसे ही आ जाता है तो मैं इसको मिरर बटन के साथ इसका रुख चेंज कर लेता हूँ, तो इसका मुँह इस तरफ हो गया। इन दोनों के कॉर्नर यहाँ पर मिलाकर फिर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन करता हूँ। इसे कंबाइन कर लिया उसके बाद फिर शेप टूल को सेलेक्ट करता हूँ। दो जोड़ हैं इसमें, एक टॉप साइड पे है तो उस जोड़ को इस तरह सेलेक्ट करेंगे और जॉइन टू नोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये जोड़ लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बॉटम साइड पे भी इस तरह जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एरिया को, जॉइन टू नोड्स किया, ये भी जोड़ लग गया। और यहाँ पर आके मैं इसको कलर देता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास लीफ बन गया। और लीफ बन जाने के बाद मैं यहाँ पर इंटरएक्टिव फिल टूल के साथ इसके अंदर शेडो देता हूँ मैं, कि हल्का सा शेडो और कलर का भी इसके अंदर आए। इस तरह शेडो देकर और फिर इस लीफ को इसको सेलेक्ट करके इसका सेंटर पॉइंट नीचे रखता हूँ मैं। सेंटर पॉइंट नीचे रखने के बाद मैं यहाँ पर अरेंज में और ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेट का ऑप्शन है, ये देखें ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेट इस पर आया। यहाँ पे इसे मैं 43 डिग्री देता हूँ और अप्लाई डुप्लीकेट करता हूँ तो ये देखें इतने फासले पर ये फूल के पत्ते आ जाएंगे और ये यहाँ पर हमारे पास फ्लावर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।